अरे मम्मी चाय पकोड़े तैयार कर लो, बारिश हो रही है। हाँ मैं आ रहा हूँ। मम्मी बोली वेली नहीं बैठी मैं। इतनी देर से बकबक कर रहा हूं और मैंने कैमरा ऑन नहीं करा। वेल हेलो एवरीवन, दिस इज आरवी एंड वेलकम टू द ब्लू अल्फा। टुडे वी आर गोइंग टू वॉच सूरमा स्टारिंग दिलजीत दोसांझ ते तापसी पन्नू। टाइम हो गया है 10:01 और शो टाइम है 10:20। जा रहा हूं मैं पिकार्डली सिनेमा सेक्टर 34 और हमेशा की तरह मैं लेट हूं। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, टिकट्स भी बुक नहीं हुई है। टिकट इसलिए बुक नहीं हुई है क्योंकि द मोबाइल ऐप इज़ नॉट वर्किंग। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। और सीट सिलेक्शन हो रहा है लेकिन पेमेंट्स नहीं हो रही हैं। और अब मैंने ये कल रात से कर रहा हूँ मैं, और आज सुबह मैंने करने की ट्राई करी तो मोबाइल ऐप ही नहीं खुल रही थी। तो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। मौसम है सुहाना, आपको मैं दिखा दूँ। ये देखिए बादल 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 बादल, लगता है इंद्र देवता आज पूरी तैयारी में है दिलजीत दोसांझ के साथ। So finally I'm out from the movie theater and movie was awesome. बहुत inspirational थी। दिलजीत दोसांझ पाजी थोड़ी acting का level बढ़ता जा रहा है। तापसी पन्नू, अंगद बेदी, सतीश कौशिक, सबका रोल बहुत अच्छा था। कुलभूषण खरबंदा उनका रोल भी बहुत अच्छा था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो सबसे बेस्ट पार्ट था मूवी का, जो मुझे सबसे अच्छा लगा, जो काफ़ी कॉमेडी थी, और वो था विजय राज का। उनके हर डायलॉग पे हंसी आती है, हर डायलॉग पे। उनको सिर्फ पंचेस वाले डायलॉग ही दिए गए हैं और बहुत मज़ा आता है वो देख के। और मूवी में हंसने वाला पार्ट भी है, रोने वाला पार्ट भी है। एक दो बार आपकी आंखें भी वो थोड़ी सी गीली हो जाती हैं, और हंसने वाला पार्ट तो है ही। विजय राज, अगर आपको याद नहीं है तो विजय राज वही एक्टर हैं जो कौवा बिरयानी खाए थे रन मूवी में। ऑसम एक्टर वो। अब बात करते हैं सॉन्ग्स की। सॉन्ग सिर्फ एक ही अच्छा है, या दो कह सकते हैं। एक तो सूरमा जो टाइटल ट्रैक है, अगर आपको सुबह सुबह जिम जाना है या जॉगिंग करनी है उसके लिए आपको नया सॉन्ग मिल चुका है सूरमा, वो लगाइए अपने हेडफोन्स में और शुरू हो जाइए। और उसके अलावा बचता है इश्क की बाजियां। अगर मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो कोई खास नेगेटिव पॉइंट मुझे दिखा नहीं, सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट लगता है, या दो भी कह सकते हैं। पहला वो जो दिलजीत दोसांझ थोड़ा, ऑब्वियसली एक बॉलीवुड मूवी है तो हिंदी के डायलॉग्स भी काफ़ी हैं मूवी में, पंजाबी मिक्स है, लेकिन हिंदी थोड़ी सी अजीब लगती है दिलजीत के मुँह से। तो बस एक ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। और क्लाइमैक्स वुड हैव बीन बेटर, थोड़ा सा मुझे वो लगा, क्योंकि एक तो ऑब्वियस चीज़ थी, हमें पता ही था एंड में क्या होना है, और उसके बाद थोड़ा बहुत और हो सकता था। वेल मुझे संजू से ज़्यादा अच्छी मूवी ये लगी, दो मैंने इसकी रेटिंग कम दी है। वो राजकुमार हिरानी का एक फैक्टर था जिसके लिए मैंने एक पॉइंट ज़्यादा दिया था। इसमें मैं इस मूवी को 3.5 दूंगा। मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया। सब लोगों ने एंड में क्लैपिंग करी है, और क्लैपिंग तो हुई है, लेकिन जो इंस्पिरेशन मिलती है वहाँ पे बैठ के संदीप सिंह का हार्डवर्क देख के, उनके साथ क्या हुआ, कैसे वो प्लेयर से फिर लेजेंड बने,
अर्जुना अवार्ड उनको मिला था 2010 में फ्रॉम अवर प्रेसिडेंट. बहुत अच्छा लगा. सो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए तो मूवी देखने जाइए, और है भी तो भी आप इस मूवी को प्रेफरेंस दे सकते हैं जाने के लिए, अपनी फैमिली को ले जाइए. सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच. आई होप यू लाइक दिस रिव्यू एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट वीडियो वुड बी रिव्यू भी हो सकता है, व्लॉगिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो मैं आपको जल्दी मिलता हूँ. और एक बात और, गुलजार साहब गाने जब आप बनाते हो ना तो मज़ा आता है. बहुत अच्छा रोमांटिक सॉन्ग है इश्क की बाजियां, आप भी सुनिए और अपनी गर्लफ्रेंड वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने बॉयफ्रेंड को भी सुनाइए. गाना अच्छा है, डेडिकेट कीजिए. और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक इश्क की बाजियां. पता नहीं आपको पानी उड़ाना अच्छा लगता है कि नहीं, लेकिन मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है. और मैं जा रहा हूँ.